नमस्कार, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ प्रॉफिट टिप्स के शेयरिंग करते रहते हैं। नॉर्मली माना जाता है कि सिर्फ सेल्स करने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता, एंड 97% ऑफ द पीपल फोकस ऑन ओनली सेल्स। यस, प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ता जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने नॉर्मली पाया है कि बहुत सारी कंपनियां तो प्रॉफिट में भी नहीं कमा पाती हैं, सेल्स करती हैं एंड देन डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप्स और डिफरेंट आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं और उनकी सेल बढ़ती रहती है। बट जब मेरा क्वेश्चन उन लोगों से होता है कि क्या आपने कितना प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट कहाँ है, तो नॉर्मली मैक्सिमम केसेस के अंदर पाया जाता है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का आंसर होता है कि हम लोगों ने प्रॉफिट रीडिप्लॉयड कर दिया इन बिजनेस। और ये रीडिप्लॉयमेंट पिछले 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल और 25 साल से चलता जाता है। इट मीन्स कि हम अपना प्रॉफिट कंपनी से कभी भी नहीं निकाल पाते हैं। इस चीज़ को मैंने अपने एक पुराने, अगर मैं बात करूँ कि हमारे दादा या नानी के टाइम से अगर हम बात करें, तो पहले ज़माने में क्या होता था, उनकी एक सोच होती थी कि हमारे को घर के अंदर सुख शांति समृद्धि और गुड हेल्थ मेंटेन करनी है। और वो इस कॉज के लिए एक पर्पस बनाते थे। उनका पर्पस क्या होता था कि जब हम खाना बनाएंगे, जब चूल्हा जलेगा और जब खाना तैयार होगा, तो उसमें से पहली रोटी हम गाय को देंगे एंड देन फिर सेकेंड रोटी हम कुत्ते के लिए निकालेंगे। तो इस तरीके से एक डिफरेंट दान की एक किया जाता था, जिससे कि ये सोच थी कि इस तरीके से करने से घर के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि और एनहेंसमेंट रहेगी। और ऐसा होता भी था, क्योंकि जिस घर के अंदर ये दान प्रक्रिया पहले होती थी, वहां पे कई बार तो ऐसा होता था पूरे दिन भर चूल्हा जलता रहता था और वहां पे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी और लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती थी और लोग बहुत ही कम लोन लेके एक्सपेंशन करते थे। इवन कि आज हम बात करें अपने दादा दादी नानी की, जिन लोगों ने एंसेस्ट्रल बिजनेस सेटअप किया था, उन लोगों ने अपने टाइम के अंदर लोन नहीं लिया था। वो लोग क्या करते थे, प्रॉफिट से रीडिप्लॉयमेंट करते थे, फिर उन्होंने आगे अपने बच्चे पढ़ाए, फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों के बच्चे पढ़ाए, उनकी मैरिजेस की, एक्स वाई ज़ेड किया और एक बड़ा एम्पायर बिजनेस का भी क्रिएट किया एंड उसके साथ साथ बड़े स्केल पे चैरिटी भी की, उन्होंने एनजीओज भी चलाई, उन्होंने कुछ सोशल कॉज के ऊपर भी काम किया। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, आज का जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास क्या है, नंबर्स ऑफ लोन्स है उसके पास। जहां से पैसा मिलता है उस पैसे को लेने के लिए पहल की जाती है, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर से हो, चाहे वो सीडिंग फंड हो, चाहे वो सीसीओ, ओडीओ, पैकिंग क्रेडिट लोन हो, एक्स वाई जेड सब जगह से। नॉर्मली जब हम लोग 1-to-1 मीटिंग करते हैं या जब हम वर्कशॉप लीड करते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर से रहता है कि आपने इस महीने या इस 15 दिन के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट कहाँ है। एंड उनके पास कोई आंसर नहीं होता। उनका कहना ये होता है कि हम ईयर एंड पे या क्वार्टर के एंड पे प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, चेक करते हैं और यस हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट प्रॉफिट कहाँ है हमें नहीं पता। और ये लोन का अमाउंट डे बाय डे उनका इंक्रीज होता जाता है, स्टॉक इंक्रीज होता जाता है, डेटर्स इंक्रीज होते रहते हैं, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती रहती है। सो हम वर्किंग कैपिटल, डेटर्स और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ROI, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला कंसर्न मैंने क्या देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस, वो उस चीज से बहुत दूर है और उस पर्पस को अचीव करने के लिए बेसिक चीज क्या करनी है वो नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला कि पुरानी फैमिली के अंदर क्या होता था कि पहले घर में कुछ भी खाने का होता था, सबसे पहले उसको दान के लिए निकाला जाता था, क्योंकि पर्पस बात कि भाई हमारे को इंक्रीज करना है, क्या धन, हेल्थ और समाज का कल्याण करना है, कंट्रीब्यूट करना है। अगर मैं बात करूं आज का मेरा बिजनेस का मिशन क्या है, पर्पस क्या है, मैं आपके सामने 3 नाम लूंगा कंपनियों के। नंबर 1 महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ऑटोमोबाइल्स, एक्सिस बैंक, ये 3 अलग अलग नाम है जो अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोगों का कहना है टाटा ऑटोमोबाइल्स का काम करता है, एक्सिस बैंक बैंक का काम करता है, एंड अगर वो एशियन पेंट्स है तो सिर्फ पेंट्स का काम करता है, जबकि ये आंसर गलत है। यस, वो लोग काम करते हैं, लेकिन उनका पर्पज ऑफ मिशन क्या है, उनका पर्पज ऑफ मिशन है इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस बिजनेस एंटरप्राइज से प्रॉफिट कमाना। जब इन लोगों की या किसी भी एंटरप्रेन्योर्स की या किसी भी SME की या बड़े लार्ज स्केल कंपनीज की बोर्ड मीटिंग होती है, तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या किया जाता है कि इस महीने कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, इस वीक कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, कितनी सेल्स इंक्रीज हुई, कितने और एरिया के अंदर हम स्प्रेड हुए। सो इट मीन्स पहला फोकस इज द प्रॉफिट, द पहला प्रॉफिट इज प्रॉफिट। बट हम लोग जो एक नॉर्मल आज की डेट के अंदर जो एक्सपेंशन मोड में एंटरप्रेन्योर्स आया हुआ है, वो क्या बोलता है कि पहले तो मैं इनकम कमाऊंगा जी, मैं सेल्स कमाऊंगा, सेल्स कमाने के बाद
मैं इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करूंगा और जो बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। और ये बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा, ये बचा हुआ प्रॉफिट कभी भी नहीं होता, होता क्या है, ये इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इसी में ही एंटरप्रेन्योर्स पूरे का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके पास कुछ भी एज सच अमाउंट नहीं बचता प्रॉफिट नाम की चीज। और जबकि प्रॉफिट कंपनी का मेन मकसद क्या था, टू अर्न द प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट देना। बट कंपनी आज के डेट में क्या कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, एम्प्लॉय के लिए काम कर रही है, बैंक के लिए काम कर रही है, सप्लायर के लिए कर रही है, वेंडर के लिए कर रही है, गवर्नमेंट के लिए कर रही है, बट शेयर होल्डर्स के लिए नहीं कर रही है, शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ बचाते हैं। इट मीन्स आज की डेट में अगर मैं बात करूं मुझे दान पुण्य करना है तो कैसे किया जाता है, पहले पूरा घर खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद जो बचता है उसको एक प्लेट के अंदर सारा निकाल के रख दिया जाता है और जो बचा हुआ खाना होता है वो दान में दिया जाता है। जब बचा हुआ खाना दान में दिया हुआ नहीं लगता ना शरीर को और ना ही हमारी परिवार को, तो ये बचा हुआ प्रॉफिट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो मैं इस इक्वेशन को सिर्फ चेंज करना चाहता हूं, और ये इक्वेशन कोई मैं चेंज नहीं कर रहा, ये इक्वेशन ऑलरेडी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने और एसएमईज ने जो इस कंसेप्ट को समझ गई हैं उन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने इस को एकदम इग्नोर कर देना है और मैंने बोलना है इनकम, इनकम इज इक्वल टू कैन से सेल्स और रिसीट माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता चला कि मैंने इस वीक के अंदर एक लाख रुपए की सेल की या मैंने प्रोफेशनल रिसीट किया और थ्रू कॉस्ट शीट, उस कॉस्ट शीट के द्वारा मुझे पता है कि मेरा जो प्रॉफिट है इसके अंदर वो 15% है, 15% है, इसका मतलब 15,000 रुपए इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है। अब बाकी कितना बचा, 85,000। अब ये 85,000 के अंदर मेरे को एक्सपेंडिचर मैनेज करने हैं, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है एज पर माय कॉस्ट शीट, मैं बार बार कॉस्ट शीट पे बहुत जोर दे रहा हूं, ये मेरा एस्टिमेशन नहीं है, कॉस्ट शीट है, इस कॉस्ट शीट के हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट था इस 1,00,000 के अंदर वो मैंने अलग कर लिया। ये अलग करने के बाद जो बैलेंस बचा उस बैलेंस से अब मैं एक्सपेंडिचर रन करूंगा, मैं बचा हुआ प्रॉफिट नहीं मानूंगा क्योंकि कंपनी की ग्रोथ, एक्सपेंशन, शेयर होल्डर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, फाउंडर्स का, प्रमोटर्स का जो सैक्रिफाइस है, जो उनको सुबह से लेकर शाम तक इतना पेन लेते हैं, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पॉलिसी चेंज के अगेंस्ट, न्यू कंप्लायंसेस के अगेंस्ट, उन सब का अगर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट पहले निकलना चाहिए। ये प्रॉफिट सैलरी ऑफ द प्रमोटर्स नहीं है, ये सैलरी ऑफ द डायरेक्टर्स नहीं है, ये शेयर होल्डर्स का शेयर है, ये शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है जिसको मैं निकाल के अलग रखूंगा। इस प्रॉफिट को निकाल के मुझे अलग एक सेपरेट जगह पे रखना है। वो सेपरेट जगह क्या होगी, मैं एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन करूंगा, ये न्यू बैंक अकाउंट मेरा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट हो सकता है और ये मैं इस पैसे को इस बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। इट मींस कि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो मिशन है बिजनेस को चलाने का, वो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को रीडिप्लॉय करूंगा फॉर अर्निंग मोर, लेकिन उसको मैं एक अलग बैंक पे ले जाऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज बोला जाता है, जो चीज मेजर की जा सकती है वो इंप्रूव की जा सकती है, सेम वे के अंदर जो चीज टच की जा सकती है, फील की जा सकती है, वो आपको मोटिवेट भी करती है बिजनेस के अंदर लगे रहने के लिए। अगर ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में सेपरेट एक बैंक अकाउंट में नजर आ रहा होगा जिसको आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, तो हर पेमेंट और हर वीक और हर मंथ आप टोटल रिसीट का सम परसेंटेज जो भी आपका फिक्स होगा वो आप करेंगे। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10,00,000 रुपए मेरा ऐड हो गया, 10,00,000 ऐड नहीं हुआ बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट रिसीट्स आई थी, तो मेरा ये 10,00,000 रुपए क्या है, मेरा प्रॉफिट है ये, और ये प्रॉफिट किसका है, शेयर होल्डर का है। अब मैं इस पैसे को विड्रॉ करूं या ना करूं, या ईयर एंड में विड्रॉ करूं डिविडेंड देके, और अगर मेरा LLP है बिना डिविडेंड दिए हुए और प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो बिना कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिए, सो ये पैसा मेरे को अलग करना है, मेरे को अपना मिशन आज की डेट में सेट करना है कि व्हाट इज द मिशन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर मेरा बिजनेस एंटरप्राइजेस को इनकॉर्पोरेट करने का पर्पस, मिशन मेरा प्रॉफिट अर्न करना है, तो मेरे को इनकम माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा, बचे हुए से मुझे एक्सपेंडिचर निकालने होंगे। इस एक्सरसाइज को करने में अगर महीने, दो महीने, तीन महीने में यहां पे द स्केयरसिटी ऑफ फंड आती है, यहां पे पैसा ही नहीं होता उन सब खर्चों को करने के लिए, तो मेरे को अपनी कॉस्ट शीट रिव्यू करनी पड़ेगी। मे भी हो सकता है कि मेरी सेल्स ज्यादा हो,
मेरी डेटर रियलाइजेशन कम हो, मे बी मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल परफेक्ट ना हो, इन सब कंसेप्ट पे हम नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, मेरा जो मिशन है मेरे प्रोफेशन का, मेरे बिजनेस का, मेरे मैन्युफैक्चरिंग का, मेरी ट्रेडिंग कंपनी का, वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो बिजनेस एंटरप्राइजेस है तो उसका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना है। अगर वो एनजीओ है, मैं कहता हूँ उसको हम अभी साइड पर रख देते हैं। अगर वो बिजनेस एंटरप्राइजेस है, इनकम माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, और ये प्रॉफिट मेरा एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इस एक्सपेंडिचर 85,000 को भी हम नेक्स्ट फेज के अंदर डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसको भी मैनेज करना है। तो मैंने लिंक करने की कोशिश की मेरे जो दादा या नानी या मेरे जो पूर्वज किस तरीके से एक्सपेंशन करते थे, घर में खुशियां रहती थी, लोन जीरो होता था, और किस तरीके से वो हैप्पीनेस क्रिएट करते थे। और हम लोग अगर बचा हुआ इन्वेस्ट करेंगे, बचा हुआ अपना शेयर मानेंगे, जो कि मेरा पर्पस है ऑफ द बिजनेस, देन समृद्धि नहीं होगी। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी कन्वर्सेशन अच्छी लगी, तो प्लीज आप अपनी कॉस्ट शीट रेडी कीजिए और कॉस्ट शीट से अपनी हर रिसीट और सेल्स में से प्रॉफिट निकाल के अलग बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कीजिएगा। आपको बीच में कभी पैसे की जरूरत होगी, आप इस बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया था और वो प्रॉफिट आपने वापस कंपनी में डिप्लॉयड किया। अभी तो एंटरप्रेन्योर्स को या फाउंडर या प्रमोटर्स को यही नहीं पता होता कि मेरा मंथली प्रॉफिट है कितना। सो हम लोग इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और फाइनेंशियल एंड द प्रॉफिट टिप्स कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।